नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। देश के लिए 15 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 15 घंटों के बाद चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी शुरू हो जाएगी। ठीक 15 घंटे बाद आसमान का सिकंदर भारत की धरती पर कदम रखेगा। सरकार का पूरा जोर सिकंदर राफेल को सही सलामत देश तक लाना है, क्योंकि शत्रु चारों तरफ से चालबाजों का जाल बुन रहा है। उसकी मंशा यही है कि किसी तरह राफेल भारत तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए भी खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार ने राफेल के आने वाले रूट में आमूलचूल बदलाव किया है और अब इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है। पिछले दिनों फ्रांस से भारत तक राफेल के आने का रूट प्लान लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने इसे उच्च स्तर तक ही सीमित रखा है। सरकार और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही राफेल के रूट प्लान की जानकारी है। राफेल को फ्रांस से भारत तक 7,364 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी है। पहले से पेरिस से तुर्की होते हुए भारत तक पहुंचना था, मगर अब यह सीधे इटली होते हुए यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर पहुंच गया है, जहां से ईंधन भरने और जांच के बाद इसे कल भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसे भारत के साथ फाइटर पायलट उड़ाकर ला रहे हैं, पर इससे भी जरूरी तथ्य यह है कि किसी भी विमान के आने के बाद 3 से 6 महीने उसे हथियारों से लैस करने और जरूरत की चीजें लगाने में लगते हैं, मगर राफेल फ्रांस से पूरी तैयारी के साथ भारत को सौंपा गया है। बताया जाता है कि 1 महीने के भीतर ही यह पूरी तरह रणक्षेत्र के लिए तैयार हो जाएगा। यानी जिस राफेल का मतलब आग का झोंका होता है, वह चीन और पाकिस्तान को राख में तब्दील करने के लिए बस आने ही वाला है। राफेल की एंट्री से पहले ही चीन पाक में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान अमेरिका से भीख में मिले F-16 पर जरूरत से ज्यादा इतराता रहा है, जबकि चीन अपने कथित J-20 को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहता है, पर 4थी और 5वीं पीढ़ी के बीच का राफेल इन दोनों ही देशों पर भारी है। राफेल के आने के बाद भारत की वायु शक्ति चीन से किसी भी मायने में कम नहीं रहेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि राफेल से बढ़ती चुनौती को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान को इस्कार्दू एयरबेस PLA को सौंपने का हुक्म दिया है, जिसके बाद पाक सेना प्रमुख ने इस्कार्दू एयरबेस का दौरा किया है। उसने यहाँ हवाई सर्वेक्षण के साथ जमीनी परिस्थितियों की भी जानकारी ली है। चीन यहाँ पहले ही 10 से 11 JF-20 तैनात कर चुका है। इसकी वजह यह है कि इस एयरबेस से फाइटर जेट 5 मिनट में श्रीनगर पहुंच सकते हैं। यानी चीन अपने लफड़े में पाकिस्तान की बैंड बजाने पर तुला है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरबेस को चीन को सुपुर्द करने का मतलब इसे पाक द्वारा भारत पर हमला ही माना जाएगा। ऐसे में अंबाला एयरबेस से 268 किलोमीटर दूर लाहौर तक जाने में राफेल को 10 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। साथ ही 20 मिनट में 435 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में राफेल भारी तबाही मचा देगा। कहने वाले तो यह भी कहने लगे हैं कि चीन ने कहीं ना कहीं युद्ध की रणनीति बदल दी है। भारत जिस तरह से उसकी आक्रामकता का जवाब मिरर डिप्लोमेसी से दे रहा है, उसने चीन को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए मजबूर किया है। अपनी और भारत की तनातनी में पाकिस्तान के रूप में चीन को हलाल होने वाला बकरा मिल गया है। चीन के मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि चीन भारत के साथ सीधी टक्कर में कन्नी काट जाए, वह पाकिस्तान को बैक सपोर्ट देकर उसे भारत से भिड़वा दे। यानी कर्ज के दलदल में धंसे पाक के तैमन से टोपी सब चीनी कीचड़ से सनी हुई है। ऐसे में मरता क्या ना करता वाली हालत पाकिस्तान की हो सकती है। खासतौर से गिलगित बाल्टिस्तान के इस्कार्दू एयरबेस से लेकर सरगोधा तक जो तैमन छुपाई खेल चल रहा है, उससे कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। यानी पैसा और हथियार चीन के होंगे, निशाना पाक के सैनिक लगाएंगे। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसका पटाक्षेप भी जल्दी हो जाएगा। पर अगर पाकिस्तान को हलाल होने की इतनी जल्दी है, तो भारत पहले ही जाहिर कर चुका है कि उसकी सेना 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने को तैयार है। पर लगता यूं है कि चीन के चंगुल में फंसा पाकिस्तान लंगड़ा लूला होने के साथ बैरा भी हो चुका है। वैसे भी भारत चीन के तनाव में पाकिस्तान बुरी तरह उलझ चुका है। इस्कार्दू एयरबेस चीन को सौंपना उसकी व्यवस्था है। साथ ही उसे डर है कि चीन द्वारा इस्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल करते ही भारत का उस पर प्रहार करना निश्चित है। तेजी से बदल रहे क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर भारत पहले ही LOC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा चुका है। LOC पर करीब 50,000 से ज्यादा सैन्य जमा बढ़ा पाकिस्तान के मद्देनजर ही किया गया है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर रखने का मतलब दोनों गुरु गुलाम पर नकेल कसना है। पाकिस्तान अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए पिछले 2 दिन से अखनूर हाजीपीर और नौशेरा सेक्टर पर गोलीबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में उसे अपने ही जवानों को खोना पड़ा है। उसकी मंशा यह दिखाने की है कि वह पूरी तरह चाक चौबंद है, पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान हद से ज्यादा डरा हुआ है। खासतौर से चीन भारत की टेंशन में उसे POK की टेंशन हो गई है। उसे लगता है कि अगर इन दोनों देशों में लफड़ा हुआ तो भारत POK पर मामला रफा दफा कर सकता है।
पाकिस्तान की फिक्र इस बात से भी बड़ी हुई है कि भारत ने बड़ी तादाद में एलओसी पर सेना की तैनाती की है। पाकिस्तान को भारत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, उसे संदेह है कि भारत किसी बड़ी प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। डर का आलम यह है कि इस कारदू से लेकर जम्मू एलओसी तक पाक सेना प्रमुख बाजवा 15 दिन में दो दौरे कर चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान F-16 के भरोसे भारत को जवाब देने की डींगे जरूर मारता था, पर राफेल के भारत को मिलने की खबर ने पाक मीडिया में भी घबराहट बढ़ाई हुई है। आसमान के इस सिकंदर का जवाब देने की क्षमता न पाकिस्तान के पास है और न उसके सदाबहार मित्र चीन के पास है। ऐसे में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का ढिंडोरा पीटने वाला पाकिस्तान खुद में ही कसमसा रहा है। दुविधा यही है कि उसका राग सुनने के लिए दुनिया तैयार नहीं है, पर मामला यहां तक सीमित नहीं है। भारत को अपनी ताकत बढ़ाने का सुनहरा मौका हाथ लगा है। भारत द्वारा विध्वंसक हथियारों की खरीदारी से उस पर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन खराब करने के आरोप बेमानी होंगे। भारत चीन के तनाव की आड़ में भारत द्वारा हथियारों की खरीदारी पर पाकिस्तान सवाल उठा भी नहीं सकता है। इस वक्त जिस तरह चीन एलओसी पर आक्रामक हो रहा है, भारत जरूरत के मुताबिक हथियारों की परचेज कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुनिया के देश भी भारत को ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं। इनमें से सभी बड़े देश भारत की चिंताओं को न केवल समझ रहे हैं बल्कि चीन से चलते विवाद में उसके साथ भी खड़े दिख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार चीन से तनाव के बीच भारत $2 अरब से ज्यादा के हथियार खरीद रहा है, जो पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने और उसकी टांगे कपाने के लिए काफी है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत है कि हालातों की नजाकत को देखते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा हथियारों की खरीद करनी चाहिए। अगर सामान्य परिस्थितियां रही होती तो दुनिया दबाव डालकर ऐसा करने से रोक सकती थी, मगर यह बढ़िया मौका है जब भारत चीन के मुकाबले अपने जिखीरे को आधुनिक कर सकता है। इसका मतलब यही है कि जहां सब कुछ चीन की उम्मीदों के विपरीत हो रहा है, वहीं पाकिस्तान के अस्थि पंजर हिलने लगे हैं। उसे लगता है कि चीन ने जो बीज बोया है उसने भारत को ज्यादा मजबूत बना दिया है। चीन तो बचकर निकल सकता है, पर इस मुसीबत को भुगतना पाकिस्तान को ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो दिखाते हैं उसका मतलब कभी नहीं समझाते हैं। इसलिए एलओसी पर सेना के जमावड़े का मतलब पाकिस्तान की समझ में अभी भी नहीं आया है, और जब आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। यूं भी केवल राफेल ही नहीं, भारत की पूरी वायु ताकत गेम चेंजर है। राफेल तो भारत के लिए बाद का एक योद्धा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।